या देवी श्रियाय माताजी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एपिसोड के प्रायोजक हैं श्री रमेश जी चौधरी नाडोल, डायरेक्टर सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। पिछले एपिसोड में आपने देखा, आई माता जी ने अपने भक्तों से कहा कि मैं एकांत में रहकर ईश्वर की भक्ति साधना करना चाहती हूँ, आप लोग 7 दिनों तक इस कोठड़ी को नहीं खोलना। लेकिन भक्त माता जी के बिना रह नहीं पाए और उन्होंने 5वें दिन ही पट खोल दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सब अचंभित हो गए। माताजी वहां से अलोप हो चुकी थीं। जिस स्थान पर माताजी विराजमान हुई थीं, वहां पर माताजी की मोजड़ी, छड़ी, 5 नारियल, माताजी के वस्त्र और एक जलती हुई अखंड ज्योति मिलती है। इस चमत्कार को देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन यह आई माताजी की अद्भुत लीला थी। आई माताजी तो अखंड ज्योति में विलीन हो चुकी थीं। अब देखिए आगे। जिस स्थान पर विराजमान होकर आई माताजी अपनी अलौकिक लीला से अखंड ज्योति में विलीन हुई, वहां माताजी की मोजड़ी, वो 5 नारियल, माताजी के वस्त्र और अखंड ज्योति आज भी साक्षात मौजूद है। आज वह स्थान आई पंथ से जुड़े हुए भक्तों के लिए काशी मथुरा से कम नहीं है। मेरे बसों के दोनों नौकर लगाई, माता जी की कृपा है। यहाँ आकर के हमको बहुत अच्छा सुकून मिलता है। बहुत अच्छा है माता जी का, सबका मनोकामना पूर्ति, सबकी दुनिया की मेरी भी गलती। अरे मेरे से कुछ 4 मनोकामनाएं पूरी हुई, बच्चों के लिए या पोतों के लिए मनोकामना की जी। उनका अच्छे से सिलेक्शन हो गया। आई माता का मंदिर है, दर भी जाते हैं, डेली दर्शन करने जाते हैं हम दोनों। 550 वर्षों से जलती आ रही अखंड ज्योति से काजल की जगह केसर बनना पूरे विश्व के लिए आज एक पहेली है। कहते हैं कि जिसने बिलाड़ा में आई माता के दर्शन नहीं किए, उसका आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। धर्म और आस्था का यह अद्भुत केंद्र
आज पूरे विश्व के लाखों भक्तों का हृदय स्थल है। तो चलिए चलते हैं देवनगरी के रूप में जग विख्यात राजस्थान के बिलाड़ा शहर में, जहां साक्षात विराजमान हैं माँ अम्बे की अवतार जगत जननी श्री आई माता जी। गोड़वाड़ की इन हरी भरी वादियों के बीच बसे इस बिलाड़ा शहर की जड़ें सतयुग काल के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी ऐतिहासिक नगर के मध्य में स्थित है विश्व विख्यात श्री आई माता का मुख्य धाम श्री आई माता जी मंदिर, जहां प्रतिदिन लगता है आस्था का मेला। यह है शानदार बिलाड़ा शहर का भव्य नजारा। करीब 1,00,000 की आबादी वाले बिलाड़ा शहर के बीचों बीच शान से खड़ा आई माता जी का यह मंदिर करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। माता जी का यह मंदिर एक गढ़ के रूप में सुरक्षित है, जहां मंदिर, दीवान साहब के महल, सुरक्षा कर्मियों के रहने का स्थान, धर्मशाला और बहुत कुछ है। मंदिर की तरफ जाने का आम रास्ता, यह हैं सुरक्षा दरवाजे, जिन्हें स्थानीय भाषा में पोल कहा जाता है। विशाल प्रवेश द्वार की भव्यता ऐसी है कि यहाँ आने वाले भक्त मनमोहित हो जाते हैं। मध्यकाल में होने वाले आक्रमणों के दौरान इन विशाल दरवाजों के माध्यम से मंदिर को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। उस दौर में तलवारों से लैस सैनिकों का पहरा हर दम इन दरवाजों पर लगा रहता था। इस पहले दरवाजे को भाला पोल के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे के ऊपर बने विशाल मेहराब में एक घड़ी है, जो पुराने समय से ही सूचना प्रबंधन का कार्य करती आ रही है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। मध्यकाल की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना यहां देखा जा सकता है। इस पोल के ठीक सामने है वडेर चौक। ये वो जगह है जहां पर आई पंथ को मानने वाले 150 से ज्यादा सीरवी भक्तों ने अपने धर्म और दीवान पद की गरिमा की रक्षार्थ संघर्ष कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। सन 1624 में हुए इस बलिदान की अमर गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सन 1991 में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा व यहाँ के तत्कालीन दीवान रोहिदास जी के मध्य हुए एक वैचारिक मतभेद के कारण यह घटनाक्रम हुआ था। इस बलिदान की एक लंबी दास्तां है, जो युगों युगों तक आई पंथ के लोगों को अपने धर्म के प्रति जागृत करने का कार्य करती रहेगी। यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक और विशाल प्रवेश द्वार के दर्शन होते हैं। इसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इस पोल पर भगवान श्री गणेश जी और हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमाएं हमें बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। इसी पोल के दाहिनी ओर है तत्कालीन समय की पेयजल व्यवस्था का प्रतीक रहट, जिसमें बैलों के माध्यम से निरंतर नीचे कुएं में भंडारित जल को ऊपर लाया जाता था। मध्यकालीन इंजीनियरिंग के इस जीते जागते नमूने को मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को अवगत कराने के लिए संरक्षित किया गया है। यह है भव्य मंदिर परिसर।
दरवाजे की दाहिनी तरफ है यह विशाल महल, जो आई माता के वंश परंपरागत दीवान साहब का निवास स्थान है। इसे भिन्न भिन्न कालावधि में बनाया गया है। इन महलों की वास्तुकला अद्वितीय है, जो मन को मोह लेती है। इसके निर्माण में हमें मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे जैसे हमारे कदम माँ के दरबार की ओर बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक अनोखी चीजों के दर्शन हमें भक्तिभाव से पूर्ण करते हुए आनंदित करते हैं। यह है पीलू महल। विशाल चार मंजिला यह महल किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे ठीक पीछे पीलू महल है। ये चार मंजिला पीलू महल है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी एक अपनी अलग ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि ये महल जितना हमें सामने से दिखता है, उतना ही जमीन के अंदर भी है। इसी महल के अंदर है भूल भुलैया, जो आज भी रहस्य है। कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। जो लोग अंदर गए थे, आज तक वापस बाहर नहीं आए हैं। तब से दीवान साहब द्वारा इस महल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। इस महल की पूरी कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। पहले चलते हैं मंदिर की ओर। ये है आई माता जी के सारथी नंदी महाराज की भव्य प्रतिमा, जिसका दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु करते हैं। नंदी महाराज के कानों में भक्त अपनी फरियाद सुनाते हैं। भक्तों का मानना है कि नंदी महाराज आई माता जी के सारथी हैं। माता जी उनकी बात को नहीं टालती, इसीलिए लोग अपनी फरियाद नंदी महाराज के कानों में कहते हैं, ताकि उनकी अर्जी माता जी तक पहुंचे और उनका कल्याण हो। अब हम सीधे चलते हैं माता के दरबार में। लगाते हैं सब मिलकर हाजिरी, बोलिए जय श्री आई माता की। चांदी जैसे सफेद संगमरमर का यह भव्य मंदिर माता जी का वह मुख्य स्थान है, जहां पर गादी पर विराजमान आई माता जी लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान देते हुए मनुष्य जीवन का बोध करवाती थी। मंदिर में पहुंचकर मन में अपार शांति महसूस होती है। यह यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है कि भक्त और भगवान की आत्मा एक हो जाते हैं। ये देखिए माता जी का बैठक स्थान, जिसे गादी कहा जाता है। इसी पर विराजमान होकर माता जी अपने जीवन काल में मनुष्यों को धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया करती थीं। ऐसी मान्यता है कि आज भी माताजी दैविक रूप से इस गद्दी पर विराज कर भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। इसी गादी के नीचे रखे गए ये वो पांच ऐतिहासिक नारियल हैं, जो माताजी के अंतर्ध्यान होने के बाद भक्तों को प्रसाद रूप में प्राप्त हुए थे। सैकड़ों वर्षों बाद भी ये नारियल ज्यों के त्यों दिखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी ये ताजे नारियल की तरह ही दिखते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये माता जी के साक्षात होने का प्रमाण है। माता जी की वह मोजड़ी आज भी यहां मौजूद है, जिन्हें पहनकर माता जी भ्रमण किया करती थीं। माता जी के जीवन काल से जुड़ी हुई इन चमत्कारिक वस्तुओं को मंदिर में पूर्ण रूप से संजो कर रखा गया है,
जिसकी गुप्त पूजा दीवान साहब के वंशजों द्वारा आज भी की जाती है। अब हम आपको उस महान चमत्कार से रूबरू कराते हैं जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व में माता जी के इस अलौकिक अवतार की चर्चा में। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, माइक्रोवेव, मोबाइल फोन व लैपटॉप की शानदार रेंज के साथ सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए आज ही विजिट करें सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। इक्कीस वर्षों का विश्वास, ऑनलाइन से भी सस्ता, फ्री होम डिलीवरी, ऑनलाइन से भी कम दाम में 0% रेट के साथ 100% लोन सुविधा। ऑनलाइन खरीदी के लिए विजिट करें www.suryaelectronics.in पर। के इस अलौकिक अवतार की चर्चा बनी हुई है। माता जी के द्वारा स्थापित अखंड ज्योति का यह दीपक 550 वर्षों से निरंतर जलता आ रहा है, जिसकी लौ से केसर टपकता है। विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य है कि आखिर दीपक की लौ से काजल की जगह केसर कैसे निकल रहा है। अखंड ज्योति से निकलता केसर इसका प्रमाण है कि आई माता जी यहां साक्षात विराजमान हैं। सत्य है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमान लीला को समझ पाना हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गॉड इज ग्रेट। यहां का नजारा देखकर सच में माता के प्रति श्रद्धा के भाव बढ़ जाते हैं। यहां सुबह 4 बजे मंगला आरती और सायं 7 बजे संध्या आरती होती है। उस वक्त का नजारा और मंदिर का माहौल देखने लायक होता है। अब हम आपको इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताते हैं जिससे आपकी आस्था माता जी के प्रति और बढ़ जाएगी। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 संगमरमर के सिंह की मूर्तियां हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि धार्मिक व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक दर्पण लगा हुआ है जो ये संदेश देता है कि भगवान से पहले स्वयं का दर्शन करें। आत्म दर्शन के बिना परमात्मा का दर्शन संभव नहीं। मंदिर का प्रवेश द्वार ऊंचाई में बहुत छोटा है, यानी अगर अकड़े तो सिर फूटेगा और झुके तो परमात्मा के दर्शन होंगे। इस मंदिर का गर्भगृह गुफा नुमा है
जो साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। आस्था, परंपरा और विश्वास ही सनातन धर्म का मूल धन है। हम माता जी की वंदना करते हैं कि वो हम सब का कल्याण करें। हम भाग्यशाली हैं कि आई माता जी के साक्षात चमत्कार हमें इस कलयुग में भी देखने को मिल रहे हैं। इस मंदिर में कई अनछुए पक्ष हैं जिनको जानना बेहद आवश्यक है। यह है राज तिलक स्थली, जहां माता जी ने अपने हाथों से आई पंथ के सुचारू रूप से संचालन के लिए अपने भक्त गोविंद दास जी को इसी गादी पर बिठाकर पहला दीवान पद सौंपा था और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। वर्तमान के 19वें दीवान माधव सिंह जी दीवान साहब इसे आगे बढ़ाते हुए आई पंथ धर्म व इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में इस मंदिर का अत्यंत विकास हुआ। आज यह भव्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। आस्था का प्रमुख केंद्र यह विशाल आई माता मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को संजोए है, जिसका साक्षात प्रमाण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये मंदिर इतना विशाल है कि हम जितना वर्णन करें उतना ही कम लगता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपको अपने जीवन में जब भी मौका मिले एक बार माता जी के दर्शनों के लिए आप बिलाड़ा आई माता जी धाम अवश्य पधारें। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर है, जबकि मारवाड़ जंक्शन सोजत रोड सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। अगले एपिसोड में देखिए भूल भुलैया महल का रहस्य, 600 वर्ष पुराने रहस्यमयी वस्तुओं का संग्रहालय, संत रोहित दास जी की तपोस्थली, माता जी के हाथों से स्थापित हुए श्री गणेश भगवान के दर्शन, भव्य नजारे, संपूर्ण जानकारी माधव सिंह जी दीवान के साथ। तो देखते रहिए श्री आई माता जी रो दरबार, सिर्फ मंगल मीडिया चैनल पर। जय माता जी रीसा।